सभी को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका। और यहाँ पर एक और आदेश ट्राइबल विभाग के अंतर्गत कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल दिनांक 3/5/2023 का ऑफिशियल अपडेट आपको बताना चाहते हैं। क्रमांक शिक्षा यहाँ पर आप देख सकते हैं और ए यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। प्राथमिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षकों के नियोजन हेतु विज्ञापन, यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। बड़ी मात्रा में विज्ञापन जारी हुआ है और आपको बताना चाहते हैं अतिथि शिक्षकों के लिए, अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं दोस्तों। और इस शिक्षक भर्ती से अतिथि शिक्षकों का भविष्य अंधकार की ओर दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगातार वो अतिथि शिक्षक जिसने स्कूल में 10 से 15 वर्ष काम किया और काम करने के बाद में शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसी शर्तें पूरी करनी है, लेकिन जो 25% का आरक्षण मिला है इससे कुछ विशेष लाभ अतिथि शिक्षकों के लिए नहीं मिला है। बाकी इस अपडेट का क्या मतलब है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। अब यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षकों के नियोजन हेतु विज्ञापन, जनजातीय कार्य विभाग के रिक्त एवं प्राथमिक शिक्षकों के पद एवं प्रयोगशाला शिक्षकों के रिक्त पदों के नियोजन की प्रक्रिया शिक्षा विभाग स्तर द्वारा की जा रही संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से की जाना है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा क्रमांक UCR 2023-24C-157-2805 दिनांक 2/5/2023 यानी कल जो आदेश निकला था सेकंड काउंसलिंग के अंतर्गत, उसका ऑफिशियल अपडेट यहां पर दिया गया है के द्वारा प्राथमिक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के लिए निर्देशिका एवं प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 के अंतर्गत अतिथि शिक्षक पंजीयन के संबंध में सूचना तथा अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन एवं अपलोड किए जाने संबंधी समय सारिणी की सूचना विज्ञापित कराई गई है। लोक शिक्षण विभाग द्वारा जारी समय सारिणी अनुसार जनजातीय कार्य विभाग के रिक्त पदों के नियोजन की प्रक्रिया संयुक्त काउंसलिंग में की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी काउंसलिंग के लिए निर्देशिका एवं अतिथि शिक्षकों के पंजीयन के संबंध में जारी की गई सूचना जनजातीय कार्य विभाग के लिए भी लागू रहेगी। नियुक्ति आदेश संबंधित विभागों द्वारा उनके विभाग में प्रचलित नियमों के अनुसार जारी किए जाएंगे और लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा की गई तिथियों में उक्त स्तर पर यदि कोई संशोधन होता है तो उक्त संशोधन जनजातीय कार्य विभाग के लिए भी मान्य किया जाएगा। संजीव सिंह आयुक्त हैं जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश। ज्यादा जानकारी के लिए आपको बता दूं, कल अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर यानी गेस्ट पर टिक करने के लिए एक ऑफिशियल आदेश अपडेट हुआ था और उसमें 4 दिन का समय दिया गया था, 4 तारीख से लेकर, यानी कल 4 तारीख है, 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक समय सीमा। तो इन्होंने, इनका कहना यही है कि वोई सेम कंडीशन कार्यालय जनजातीय विभाग में भी वोई की वोई रहेंगी, यानी ट्राइबल विभाग के अंतर्गत आने वाले जो भी अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 पास की हुई है उनके लिए भी सामान्य नियम वोई की वोई लागू रहेंगे, समय समय पर नियम बदलते रहेंगे, इन्होंने ये भी कहा है। बाकी आप बताइए कैसे हैं मित्रों, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।